तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कम कर कम कर कम कर। लगी आपको हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। मैं किरण नेगी फिर से स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पे और अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों दिवाली शुरू हो गई है, मतलब कल परसों है दिवाली। तो देखो हमारी ना पूरी तैयारी हो गई है, आज मिस्टर जी सजाएंगे पूरे छत को, कल नहीं लगा पाए और आजकल ना टाइम भी वैसे ही हो रहा है घास काटने में, मैं तो बिजी हूँ। तो देखो हमारी दिवाली की जो लड़ियाँ थी वो हम छत पे ले आए हैं और मिस्टर जी लगाएंगे। मिस्टर जी ना आज थोड़ा मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे, तो देखते हैं चला पाती हूँ या नहीं चला पाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सामान रखा है तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो सारे लड़ी और बल्ब वगैरह हम ले आए हैं, पूरे छत की रेलिंग पे लगाएंगे इसको। मिस्टर जी ने रखा है यहाँ पे, वो लगाएंगे, मैं तो खेत जाऊँगी उसके बाद। तो ये देखो मैं दिखाऊँगी आपको शाम को, मतलब कल दिखाऊंगी कि कैसा लगा रखा है हमने, कैसा सजा रखा है अपने घर को। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस देखो मिस्टर जी ला रहे हैं अभी गाड़ी, तो देखते हैं और जिसमें चलाऊंगी मैं गाड़ी इस खेत में। एक साल हो गया, मैंने एक साल से ना अभी बाइक हाथ पे भी नहीं ली है, चलाया भी नहीं है, और एक साल पहले मैंने सीखी थी थोड़ा बहुत। तो देखते हैं आज आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे मुश्किल ही आएगा यार, डर भी लग रहा है। तो चलो आगे है हमारी धन्नो, और अभी ना उसको बोल रहे धक्का मार रहा हूँ मैं, तो नहीं जा रही, बोल दिया था उधर वाले खेत में लेके चलते हैं, लेकिन नहीं। कुछ नहीं बोला तो करते रहो, हनु नहीं जा पाके। थोड़ा रेस ज्यादा दे, है दे रे, थोड़ा रेस ज्यादा दे, कलक जे। देखो गाड़ी ना अटक गई है, अभी मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था। तो ऐसे खेत में ना बहुत टफ होता है, पर अगर दूसरी वाली गाड़ी होती ना सरस्वती वाली तो वो तो मैं चला ही लेती, पर ये ना थोड़ी हैवी है तो मुझसे नहीं चलाया जाएगा। तो गाइस देखो नहीं चल रही है धनो मेरे से, नहीं लाइन में लीजिए मैं अपना ही करो। तो एक बार ना मैं फिर से ट्राई करती हूँ, तो देखते हैं उसके बाद यार मुझे घास काटने जाना है, सासू जी बोलेंगे तब से बता रही है कहाँ गई। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। आर रेस दे, रेस दे, कलस दबो, रेस ज्यादा देना थोड़ा, रेस दे, रेस दे, रेस दे, सीख पाएगी गाड़ी? डेली सिखाओगे तो सीख जाओगी, नहीं तो भूल जाओगे।
वैसे चला तो देती है लेकिन थोड़ा खेत में खराब है। तो गाइस मैं थक भी गई हूँ और अभी ना मुझे खेत भी जाना है। इसका माइंड डिस्टर्ब है ना इसलिए सीख नहीं पा रही, और काफी अच्छा चला दी वैसे। ये देखो गाड़ी उठाने सीख ली है लेकिन उठा देगी। चल स्टार्ट कर। तो दोस्तों ये देखो कलच दबाए, पूरा कलच दबाया कर भाई। तो गाइस ये मुझे ना कैसा बोल रहे हैं, एक तो सिखाते ढंग से नहीं है, ऊपर से डांटते हैं। और एक साल पहले सिखाई थी इन्होंने मुझे बाइक चलाना, उसके बाद मैं नहीं चला पाई किसी कारण वजह से। और अब एक साल बाद ना इतना भी चला रही हूँ फिर भी डांट ही रहे हैं। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घास काटने और काफ़ी लेट भी हो गया है, पता नहीं सासू जी से आज डांट भी पड़ सकती है, पता नहीं क्या होगा आज मेरा। इनकी वजह से ना मुझे हमेशा डांट ही पड़ती है। तो चलिए चलते हैं अब खेतों में और आपको मिलूँगी मैं बाद में। तो हमने ना यहाँ पे घास काट दिया है और इस वाले पेड़ में लगा रखा है। देखो अब तक हमने ये किया और सासू जी उधर चले गए हैं वो आधा घास लेके, और अब दूसरे वाले पेड़ में लगाएंगे। और फिर मैं जाऊँगी घास लेके नीचे वाले गौशाले और वहाँ से मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे उसके बाद घर पर करना है काम। तो मैं घर पर पहुँच गई हूँ और रॉकी दुखे देखो मुझसे पहले आ गया है और यहाँ पर सो रहा है। रॉकी हेलो। ओ रॉकी जी, और मिस्टर जी ने ना लड़ी लगा दी है, देखो आधा बल्ब लगाए हैं और आधा लड़ी लगाई है, चारों तरफ लगाया होगा ना घर के, इधर साइड भी और इधर साइड भी पीछे भी। तो रात को दिखाऊंगी यार मैं आपको कैसा लग रहा है, आज वाली वीडियो में पक्का डालूंगी मैं। तो दोस्तों अब ना मैं अपने किचन की लिपाई कर रही हूँ, देखो हमारे मिट्टी वाला किचन, और कल दीपावली है तो इसलिए लीपना पड़ेगा। और इधर साइड ना मैंने इधर को लीप दिया है, देखो मिट्टी वाला कैसा चमक रहा है, और इधर साइड पूरा कितना काला हो रखा है, तो इसको लिपूंगी। तो चलिए कर लेते हैं दिवाली की तैयारियां शुरू। और मैंने हमने तो कर ही ली है, लड़ी वगैरह भी लगा ली है, और मैं कर देती हूँ किचन की लिपाई। सब गाना बड़ा
तो दोस्तों लिपाई करने के बाद मैंने खाना खाया, और खाना खा के देखो अभी ना मैं इनको लेके जा रही हूँ थोड़ा जंगल भैंसों को लेके, और फिर मुझे ऊपर के गौशाले जाना है, और वहाँ से मैं ना गाय मतलब बैलों को लेके आऊँगी जंगल में चराने के लिए, और फिर वहाँ हम काटेंगे घास मैं और सासू जी। तो चलिए चलते हैं। दे देखो हमारी भैंसी को, आ जा ले आही ले। तो अब लेके चलती हूँ इनको। तो इसको ना कैमरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, और कहीं मुझे मार भी ना दे, ये ना हमारा बहुत शैतान वाला भैंस है। अले तो ये देखो इनको, इनको घर जाने की कोई चिंता ही नहीं है, खाते जा रहे हैं बस। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और मैं ना अभी भी जंगल में ही हूँ, क्योंकि मैं ना इन बैलों को लेके जा रही हूँ। और इससे पहले मैं गई थी घास रखने गौशाले, हमने नीचे पे घास काटा था। तो दोस्तों अभी इनको लेके जा रही हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया है, और जंगल में देखो पूरा चीड़ का जंगल है यहाँ पे। इनका ना घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, देखो। आजकल ना इतनी जल्दी मतलब अंधेरा होने लग जा रहा है, 5 बजे मतलब 5 बजे धूप चली जा रही है, तो उसके बाद तो सीधे अंधेरे हो जा रहा है। तो इनको देखो भाई, इनका मन ही नहीं है आज घर जाने का, तो मन तो कर रहा है इनको जंगली में छोड़ देना था। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं घर पे, और अब करेंगे घर का काम। और मुझे ना अभी जो हमने हमारे पीछे वाले खेत में हमने कुछ दाल निकाल के रखी थी, वो भी लाना है यहाँ चौक में। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमने ना ये पूरा लगा दिया है यहाँ से पूरा, और इधर वाले ना इधर वो उधर को कर रखा है उसकी लाइट, और ये पूरा बल्ब लगा रखे हैं हमने LED। तो देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है। तो पिछले साल भी ना हमने ऐसे लगाया था, काफ़ी मस्त लग रहा था हमारा घर पूरा, देखो। तो हमारी दिवाली की तैयारी तो हो चुकी है शुरू, तो आप लोगों की भी हो ही गई होगी। तो देखो लाइट देख सकते हो आप लोग, ये ना बहुत मस्त लग रहा है, इसमें ना बहुत सारे कलर हैं देखो। तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? मस्त लगी मेरे को तो, मस्त लगी। कैसी लगी? तो गाइस देखो कैसा लग रहा है हमारा घर, मस्त लग रहा है, और मतलब दूर से भी दिखाएंगे आपको। अभी मिस्टर जी करेंगे, मुझे तो अभी खाना बनाना है। तो आप सभी लोगों को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो हर साल ऐसे ही मिलते रहेंगे दिवाली पे, हर त्योहारों पे। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।